ये क्लास टेन्थ का का चैप्टर फोर है इसमें एक्सप्लेन करना है कि फेमिनिस्ट का मतलब है क्या फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि इक्वल इम्पोर्टेंस देना मेल और फीमेल दोनों को इसमें ये नहीं कि फीमेल को प्रमोट करना प्रोमोट करनी जरूरत है जरूरत जब पड़ती की वो इक्वल प्लेस पे नहीं है मेल और फीमेल तो फेमिनिस्ट मीन्स इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर वोमेन एंड मैन बोथ मतलब ऐसा नहीं मैन के अधिकारों का हनन किया जाए में इक्वलिटी दी गई है मैन और फीमेल मेल और फीमेल दोनों को तो फेमिनिस्ट का मतलब है फेमिनिस्ट मीन्स इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन एंड मैन फेमिनिज्म इस ड्राइविंग टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इसमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर बेस्ड मतलब ये मेल है या फीमेल है लड़का है या लड़की है इस बेस पे कोई भेदभाव जैसे सैलरी है लड़की है तो कम सैलरी दे दी जाए इस तरह से ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए फेमिनिज्म का मतलब ये है कि सैलरी है तो दोनों को इक्वल ही मिले उस काम के लिए जो एक जैसा ही काम कर रहे हैं तो सैलरी भी एक जैसी ही होनी चाहिए फेमिनिज्म इज टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी फेमिनिज्म जो प्रमोट करता है क्या ये इक्वलिटी दिला रहा है मेल और फीमेल दोनों को फीमेल पीछे हैं तो उन्हें आगे लड़ने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वुमेन को इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी सारे एस्पेक्ट में मतलब हर जगह सोसाइटी में फेमिनिज्म बिलीव इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी फॉर वुमेन ये क्या मानते हैं कि औरतों को सोशल लेवल पर इकोनॉमिक मतलब पैसा कहाँ खर्चा है या डिसीजन लेने या पैसा कमाने एंड पॉलिटिकल लेवल पर भी इक्वलिटी मिलनी चाहिए तो फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट का मतलब ये है कि इसमें अधिकारों का हनन किसी का भी नहीं होना चाहिए या मेल हो या फीमेल हो दोनों को ही इक्वल राइट्स होने चाहिए दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए तो ये है फेमिनिज़्म का मतलब